रायपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर से बदसुलूकी का मामला सामने आया है। कार सवार युवकों ने शंकर नगर के पास उनके साथ बदसुलूकी की। सिविल लाइन थाना पहुंचे ननकीराम कंवर और पूर्व मंत्री ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर से बदसुलूकी हुई है। कार सवार युवकों ने शंकर नगर के पास उनसे बदसुलूकी की। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या इतने बुलंद हौसले हैं कि पूर्व गृह मंत्री के साथ इस तरीके की घटना होती है? जी, अगर हम बात करें तो कुछ देर पहले की बात है, पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर अपने स्टाफ के साथ विधानसभा से अपने घर लौट रहे थे और शंकर नगर चौक के पास ओवरटेक जब करके खड़े हुए सिग्नल में, तो एक युवक उनके पास आया, उनकी गाड़ी के पास गाड़ी लगा दिया और उसके पास उतर कर सबसे पहले उन्होंने पीएसओ के साथ, उस युवक ने पीएसओ के साथ बदतमीजी की, बदसलूकी की। उसके बाद ननकीराम कंवर जो है पूर्व गृह मंत्री, उनके साथ भी बदसलूकी की और जब उनको समझाने की कोशिश की तो भी वो युवक अवेश में था और काफी बदसलूकी कर रहा था। उसके बाद जब सिग्नल ओके हो गया तो गृह मंत्री वापस अपने बंगले आ गए और उन्होंने बंगले जाकर फिर इस संबंध में आईजी से बातचीत की और उस युवक की और उसके जो गाड़ी है उसकी शिकायत सिविल लाइन थाने में की है। पुलिस फिलहाल इस मामले में जांच कर रही है और उनका सीधा सीधा यह कहना है कि शहर में अपराधियों के हौसले बुलंद है और यही वजह है कि आज स्थगन जो शून्यकाल में जो स्थगन लाया गया तो वो भी इस मामले में लाया गया था कि अपराधी क्या। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।